आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूँ मीनल, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मोहनलालगंज में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तहसील में एसडीएम ने किया झंडारोहण। कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक ने पुलिस कर्मियों के साथ सलामी देकर किया झंडारोहण। दिलाई पुलिस कर्मियों को एकता की शपथ। इस अवसर पर उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले 6 पुलिस कर्मियों को एसएसपी द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र को देकर प्रभारी निरीक्षक जीडी शुक्ला ने सम्मानित किया। मोहनलालगंज व्यापार मंडल द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोहनलालगंज कस्बे में नवजीवन इंटर कॉलेज के छात्र व छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर एक प्रभात फेरी निकाली। लखनऊ के चिन्हट स्थित एवर ग्रीन पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर यहाँ नन्हे मुन्हे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में एक छोटी सी बच्ची ने आए मेरे वतन के लोगों गीत गाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। विद्यालय के प्रबंधक प्रवीण कुमार सिंह ने प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रेनू बक्सी व म्यूजिक टीचर रामू स्वामी सहित विद्यालय के तमाम शिक्षक व अभिभावक मौजूद थे। मोहनलालगंज तहसील में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और आमरण अनशन पर बैठने को कहा। एसएसपी के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान में मोहनलालगंज पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बीते 5 सालों से चोरी के मुकदमे से वांछित चल रहे शातिर चोर संतोष पुत्र राम कृपाल रावत निवासी ग्राम गौरा कॉलोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तहत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहत।